नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की। और राजधानी भोपाल के शिवाग थाना क्षेत्र में 15 साल की युवती से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिवाग थाना प्रभारी ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि लड़की और लड़का एक ही मकान में रहते हैं। इस लड़के की निगाह पहले से ही लड़की पर थी। लड़की को अकेला देख लड़की ने पकड़ लिया था। गंदे इरादे से फिर उसकी मां लड़की को लेकर रिपोर्ट करने आई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। केकेआर न्यूज के लिए भोपाल से संवाददाता रईस खान की रिपोर्ट। सर, जो इस वक्त थाना क्षेत्र में 15 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई है, इसमें आपका क्या कहना है? लड़की और आरोपी एक ही मकान में निवास करते हैं। लड़का नीचे रहता था, आरोपी ऊपर रहता है। और लड़के की निगाह पहले ही लड़की पे थी। लड़की अकेली थी, बाहर थी। वो लड़की ने बुरी नीयत से उसको पकड़ लिया था। और लड़की की जब माँ आई तो माँ को घटना बताई उसने पूरी। और माँ साथ में थाने लेके आई थी। लड़की की रिपोर्ट में मैंने आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सर, जो युवक है, क्या ये रिकॉर्ड शुदा है पहले से? नहीं नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं इसका। जांच के दौरान क्या पता चला? जांच के दौरान ये है कि पहले से लड़की को जानता था, लड़की पे नजर रख रहा था। वो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? गिरफ्तार किया गया, अपराध पंजीबद्ध किया गया 3 चौवन का। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।